जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका नेहा पांडे हूँ। आज मैं आपको व्यंजन क से ज्ञ तक परिचय कराने जा रही हूँ। क से कलम, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खग, ग से गमला, ग से गज। बच्चों इस चित्र को पहचान रहे हो ना? इस गज को हाथी भी कहते हैं। घ से घर, घ से घड़ा, अंग खाली, च से चरखा, च से चरण, छ से छतरी, छ से छड़ी, ज से जग, ज से जहाज, झ से झरना, झ से झंडा, इय खाली, ट से टमाटर, ट से टमटम, ठ से ठठेरा, ठ से ठग, ड से डमरू, ड से डगर। बच्चों डगर का मतलब रास्ता, रास्ता होता है। ढ से डपली, ढ से ढक्कन, अर खाली, त से तबला, त से तरकस। बच्चों इसको पहचान रहे हो? ये तरकस उसे कहते हैं जिसे जो बाण रखने वाला या तीर रखने वाला होता है। जैसे रामचंद्र जी अपने कंधों पे ये तरकस रखते थे ना, उसमें कई तीर रहते थे, कई बाण रहते थे। तो त से तबला, त से तरकस, थ से थर्मस, थ से थन, द से दमकल, द से दवात, ध से धनुष, ध से धन, न से नल, न से नयन। आँख को ही नयन कहते हैं। प से पगड़ी, प से पतंग, फ से फल, फ से फरसा, ब से बरगद, व से बर्तन, भ से भगत, भ से भवन, म से मगर, म से मटर, य से यज्ञ, य से यमराज, र से रस्सी, र से रथ, ल से लट्टू, ल से लड़का, व से वर्षा, व से वक, श से शलगम, श से शहद, श से षटकोण, श से सतपट, स से सपेरा, स से सर्कस, ह से हल, ह से हथौड़ा, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। बच्चों मैं उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरे यकीन से कह रही हूँ कि बार बार बोलकर चित्र को पहचानते हुए पढ़ोगे तो व्यंजन क से ज्ञ का ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।